हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रिएक्शन वीडियो बहुत ही अच्छा सा लेकर आई हूँ, जो कि है मर्सल टीजर रिएक्शन, जो कि है आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। और आप लोगों के साथ साथ मैं भी उनकी फ़ैन बनी गई हूँ, चाहे उनके डांस हो, चाहे उनका एक्शन हो, चाहे उनके स्टंट हो, चाहे उनके डायलॉग्स हो, मतलब हर एक चीज़ की यार मैं फ़ैन हो गई हूँ उनकी। सच में यार ही इज़ अमेजिंग, सच में वो सुपरस्टार हैं। आज हम करेंगे मर्सल मूवी के टीज़र के ऊपर रिएक्शन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो, ताकि आपको फ्यूचर में मेरी सारी आने वाली वीडियोज़ बहुत आसानी से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। நீ விதைத்த வினையெல்லாம் உன்னை அறுக்க காத்திருக்கும். Let's go. Please, bro. Oh, wow. ये बहुत गलत बात है, मतलब इतना सा टीजर में इतना सा दिखाते हैं ना, तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है कि यार मूवी में क्या हुआ होगा। आई मीन बहुत बहुत अमेजिंग टीजर था। एंड इस टीजर में यार उनके स्टंट्स और उनके एक्शन सीन्स, जो आप फ़ैन हो ना, जो जो लोग उनके एक्शन के और स्टंट्स के, वो आपको इस टीज़र में भरपूर देखने को मिलेंगे। लाइक जैसे कि वो कार्ड वाला सीन था, वो पीजन वाला जो सीन था, ऐसे ऐसे उसको ऐसे घुमा दिया उन्होंने हाथ में, बड़ा प्यारा सीन था, बहुत ही खूबसूरत सीन था। एंड वो कार्ड वाला सीन मुझे बहुत सही लगा, वैसे फैला के, पत्ते फैला के जैसे उन्होंने एकदम फेंका, यहाँ पर लिखा गया फेस्टिवल सून ऐसा कुछ करके। एंड बहुत सारे सीन्स थे उनके जो इस टीज़र में दिखाए गए, कई सारे एक्शन सीन्स उनके कवर किए गए हैं। इतना सा टीज़र जब दिखाते ना, इतनी अच्छी मूवी का इतना सा टीज़र जब देखने को मिलता है ना, तो सच में मेरा तो मन बिल्कुल नहीं भरता। मेरा मन कर रहा है मैं अभी 3 घंटे की मूवी लगा के आप लोगों के सामने देखने बैठ जाऊँ, बट इतनी तो स्पेस भी नहीं है यार मेरे कैमरा में, इतना लंबा रिकॉर्ड हो जाएगा। जब मूवी तो ये ऑफकोर्स काफ़ी पहले रिलीज़ हो चुकी है, तो बहुत ईजिली हमें देखने को मिल जाएगी ये मूवी। हाँ, और सबसे मेन चीज़ ये कि ये मूवी तमिल में है, तो अगर ये मूवी आपको हिंदी में मिल जाती है या फिर सब टाइटल्स इंग्लिश वगैरह में हैं, तो प्लीज़ आप मुझे उसका लिंक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी यूट्यूब पर कहीं भी आपको इसका लिंक मिलता है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका लिंक दीजिएगा। चीज़ विजय थालापति की मुझे बहुत अमेजिंग लगती है, वो किसी भी कैरेक्टर में घुसते हैं ना, घुस ही जाते हैं, मतलब यार लगता ही नहीं है कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लगता है एक्चुअली में वो खुद है वो उस कैरेक्टर के अंदर बिल्कुल। मतलब जैसे कि हमने देखा वो कोच वाली मूवी थी, जिसका अभी जस्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिया रिएक्शन, पता नहीं अपलोड किया है, नहीं मुझे नहीं याद है, क्योंकि मैंने इकट्ठी कई सारी वीडियोज़ उनके रिकॉर्ड किए। बिजल मूवी, तो उस मूवी में उन्होंने कोच का किरदार प्ले किया है। प्लस सरकार मूवी में उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है उसके अंदर दिखाई गई हैं। इस मूवी में उनके एक्शंस भरपूर हैं, तो हर एक मूवी में जो उनको कैरेक्टर दिया जाता है पूरी तरीके से उसके अंदर घुस जाते हैं। तो चलिए, ये था मेरा रिएक्शन मर्सल मूवी के ऊपर। आई एम श्योर आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, क्योंकि आप ही की रिक्वेस्ट पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ आनी है। और यार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक।